चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत को चांद से पहला मैसेज मिला। चंद्रयान का मैसेज था, भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। इसरो के डायरेक्टर एस स्वामीनाथ के मुताबिक अगले 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में एक दिन का समय लग सकता है। प्रज्ञान चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। साथ ही इसरो चीफ ने ये भी बताया कि कई मिशन अभी कतार में हैं। जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। 23 अगस्त की शाम केवल भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक थी। देश ठहरा था, सांसें थमी थी, पलकें उठी थी और दुनिया भारत के कंधे पर सिर रखकर चांद की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। धरती पर शाम हो रही थी, चांद पर सूरज उग रहा था। समय 6:04। भारत का चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतर गया। इसके साथ ही इसरो का मिशन कामयाब रहा। इसरो की ये तीसरी कोशिश थी और दूसरी कामयाब कोशिश। साल 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। साल 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। साल 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड किया। ये पूरी प्रोसेस शाम 5:44 पर शुरू हुई। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया गया। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड करवाने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर सके हैं। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलने का इंतजार है। धूल का गुब्बार शांत होने के बाद ये बाहर आएगा। इसमें करीब 1:50 का समय लगेगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी को भेजेंगे। चंद्रयान मिशन को ऑपरेट कर रहे इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया और 41वें दिन जैसे प्लान किया गया था वैसा ही हुआ और चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।